आयुर्वेदा ब्यूटी विद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों, क्या आपने भी अपने बालों पर हाईलाइट या फिर हेयर कलर कराया हुआ है? तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा, यदि आपने हाईलाइट या हेयर कलर कराया है तो आपको हर 2 से 3 महीने पर उसे टचअप कराना भी बहुत जरूरी है। यदि आपने टचअप नहीं कराया है तो आपके बाल इतने ज्यादा रूखे, सूखे, बेजान और डैमेज दिखने लगेंगे। और इसका खर्चा कितना होता है? इसका खर्चा होता है लगभग 2,000 रुपए हर मंथ या फिर हर 2 महीने के बाद। क्या आप इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं और परेशान हो चुके हैं कि अब क्या करें? तो ये सिंपल से कुछ छोटे छोटे स्टेप आप फॉलो करो और आपको हर बार टचअप कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही यदि आप घर पर ही हाईलाइटिंग या फिर कलर्स करना चाहते हैं अपने बालों को, कैसे आप हल्का सा अपने बालों का कलर टोन चेंज करना चाहते हैं, लाइट टोन करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो स्ट्रीक्स के हाईलाइट से बहुत सारे लोग खुद ही घर पर हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन एक बार हाईलाइट करने के बाद वो काफी पछताने लगते हैं, बिकॉज बाल हो जाते हैं काफी ज्यादा डैमेज, रफ और रूखे सूखे। तो वो लोग सोचते हैं ये तो बेकार है, पार्लर पर जाकर ही कराना चाहिए, इससे कम से कम हमारे बाल बचे तो रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम वही प्रोडक्ट पार्लर्स भी यूज करते हैं, सेम वही प्रोडक्ट आप भी यूज कर रहे हैं। फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ हो रही है इसके रूटीन में, इसकी केयर में। तो बस आपको ये छोटे से स्टेप्स को ध्यान रखना है। यदि आपने हाईलाइटिंग खुद की है या पार्लर्स पर कराई है, आपको याद रखना है कि आपको देना है उसे कलर टचअप। यानी हाईलाइटिंग में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है ब्लीच, जिसमें कि आप अपने बालों का कलर टोन कम करने के लिए यानी लाइट करने के लिए उनको ब्लीच कर देते हैं, जैसा कि आप अपने फेशियल हेयर्स के साथ भी करते हैं। यदि आप बालों को ब्लीच कर रहे हैं तो बालों के ऊपर मौजूद प्रोटीन खत्म होने लगता है और प्रोटीन एक तरह से टूट जाता है। इसी वजह से आपके बालों में ब्रेकेज प्रॉब्लम भी आती है और एंड स्प्लिट प्रॉब्लम भी आती है। इन दोनों ही प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको हर महीने या हर 2 महीने पर पार्लर जाकर स्पा, केराटिन या फिर कोई स्मूथनिंग जैसा प्रोसेस कराना पड़ता है। इन सभी खर्चों से बचने के लिए बहुत ही सिंपल से उपाय आज मैं आपको बताऊंगी। पहला है हमारा बहुत ही सिंपल सा टिप, यदि आपने हेयर कलर करा रखा है तो इसके लिए आपको जो शैम्पू है अपना उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप ये खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप मत कीजिए, आप नॉर्मल माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करते हैं। लेकिन उसी के साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि जो टचअप आप पार्लर जाकर 2 महीने बाद कराते हैं वो टचअप आपको खुद से करना है। इसे आप नेचुरल चीजों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे हेयर कलर का टचअप आप उन्हीं कलर से कर सकते हैं जो कि आप हेयर को कलर करने के लिए देते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है इसमें कॉफी पाउडर, दूसरा मेहंदी पाउडर, तीसरा आप किसी भी तरह का चुकंदर का या फिर कोई फूड कलरिंग ऐड करके भी कलर दे सकते हैं, चौथा आप इसमें टी का पानी यानी चाय पत्ती का पानी या फिर आप इसमें 2 या 3 कॉम्बिनेशन मिक्स करके भी हेयर कलरिंग आप अपने घर पर दे सकते हैं। आपके बालों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्की सी लेयर की जरूरत है, जो कि आपके डैमेज्ड और ब्लीच्ड हेयर के ऊपर एक लेयर या एक कवर चढ़ा सके, जो कि हिना आपके बालों को अच्छे से देता है, साथ में प्रोटेक्शन और कंडीशनिंग भी देता है। इसी कंडीशनिंग को बेहतर बनाने के लिए आप चाहे तो मेरे हेयर कलर वाला वीडियो भी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि हमने आपको काफी अच्छे से बताया है कि आप घर पर ही नेचुरल चीजों से कैसे कंडीशनिंग कर सकते हैं। इन कंडीशनिंग में आप साथ में ऐड कर सकते हैं दही या फिर अंडा। यदि आप अंडा यूज नहीं करते हैं तो एक दही अच्छा ऑप्शन होता है। अब चलते हैं उन हेयर मास्क की तरफ जो कि आपको पार्लर जाकर कराने पड़ते हैं, जिसमें कि स्मूथनिंग, स्पा या फिर केराटिन जैसे ट्रीटमेंट आते हैं। केराटिन जैसा महंगा ट्रीटमेंट भी आपके बालों में 3 से 4 महीने तक ही अच्छे से रहता है, उसके बाद वो भी इतना वर्क नहीं करता। तो क्यों ना आप इस तरह के ट्रीटमेंट घर पर ही कर लें, जिनसे आपको एक अच्छा प्रोटीन मास्क घर पर मिल सके। सो इन 2 तरह के मास्क को मैं आपको बताती हूँ, आप वीकली या फिर 15 दिन बाद इसमें से कोई भी एक मास्क अपने अकॉर्डिंग चूज करके लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये नेचुरल है तो ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे और शाइनी स्मूथ भी बनाएंगे।
चलिए स्टार्ट करते हैं पहला मास्क बनाना, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। उसी के साथ ये आपके बालों की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, बालों को सॉफ्ट और स्मूथ भी रखने में हेल्पफुल है। इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए मेथी दाना, और दूसरा चाहिए आपको अलसी के बीज। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स और मेथी दाना, इसको आपको लगभग 1 लीटर पानी में बॉईल करेंगे। यदि कम बनाना है तो आधा लीटर पानी में, क्योंकि इसमें 2 या 3 खदक आने तक हमें इसको बॉईल करना है। जैसे जैसे ये अच्छे से बॉईल होने लगेगा, आप देखेंगे अलसी और मेथी में ना एक काफ़ी स्लरी सा एक चीज़ होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी थिक होने लगेगा। और यदि आपने इसको ठंडा कर लिया तो ये आप इसको नहीं छान पाएंगे, इसलिए इसको इमीडिएटली गर्म गर्म छान लें और इसको मोटी वाली छलनी से छानें। अब इसके बाद इसको एकदम ठंडा हो जाने दें, गरम गरम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, और इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी हैं। सो अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, हम अच्छे से इसका पूरा रस निचोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हमने डाला है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और साथ में यहाँ पर आप अपना कोई भी फेवरेट ऑयल 1/2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, चाहे कोकोनट ऑयल डालें चाहे आलमंड ऑयल डालें, और आपका बहुत ही अच्छा सा पैक रेडी है। अब है बारी सेकंड हेयर मास्क की, जो बहुत ही अफोर्डेबल है और आसान है बनाना, बिकॉज आपके घर पर चावल तो बनते ही होंगे ना, उसमें मार निकलता है चावल का बचा हुआ पानी। जब ये बचे तो इसको फेंके नहीं, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो उसके बाद ये देखो इतना ऑलरेडी इतना थिक हो जाएगा। इसके बाद इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी आप ऐड कर लें, और यदि आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसको ही अप्लाई कर लें, लेकिन इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सेम जिस तरह से आप किसी भी पैक या फिर स्पा क्रीम को अप्लाई करते हैं, कुछ उसी तरह से आपको इसको अप्लाई करना है। अभी आप देखेंगे कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डल लग रहे हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद आपको बाल काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट दिखने लगेंगे। सो बालों को अच्छे से डिटेंगल करने के बाद हम यहाँ पर एक ब्रश की हेल्प से छोटे छोटे बालों की लेयरिंग पर इस मास्क को अप्लाई करते चले जाएंगे। अच्छे से अप्लाई करेंगे, और यदि आप चावल वाला पैक यूज़ कर रहे हैं तो आप बालों को इस तरह से डिप करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इस तरह से अप्लाई करने से ईजी हो जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बालों को लगभग 1/2 घंटे के बाद आप नॉर्मली वॉश कर लें, शैम्पू की हेल्प से भी वॉश कर सकते हैं थोड़ा सा शैम्पू यूज़ करके, लेकिन उसके बाद एक अच्छा सा सीरम अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ यदि आप कोई भी अच्छा सीरम गीले बालों पर अप्लाई कर लेते हैं तो उससे आप देखेंगे कि आपके बाल, जो कि एंड स्प्लिट की प्रॉब्लम आ रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और साथ ही साथ यदि आपको कभी हीट भी यूज़ करनी पड़ती है अपने बालों पर, तो उसके लिए भी ये अच्छा है। सो आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो और कुछ यूजफुल लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर फॉलो करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी नहीं दबाई तो घंटी दबा दो, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ पाए। और हाँ, इसी के साथ ही साथ यदि आपके बाल ज्यादा डैमेज होते जा रहे हैं, 2 मुहे होते जा रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना, जिसमें हमने आपको ऐसे हेयर मिस्टेक्स के बारे में बताया है जो आपके बालों को ज्यादा खराब कर रहे हैं या फिर आजकल हो रहे हेयर फॉल को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सो थैंक यू।